फ्रेंड्स, आप सभी का अल्फा टेक्नो एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपको टाउन्स एंड ट्रेड के बारे में बताएंगे, किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के कस्बे और व्यापार के मार्ग, व्यापारियों के मार्ग उत्पन्न हुए थे आपके 600 BCE से 600 CE के बीच में, और न्यू सिटीज़ और अर्बन पॉपुलेशन किस प्रकार से डेवलप हुई थी। जैसा कि आपको पता ही है कि पहले जो थे हमारे 16 महाजनपद थे, जो इन 16 महाजनपद थे जो धीरे धीरे जो है कि मौर्य साम्राज्य के अंदर कंसोलिडेट हो गए थे, यानी कि सारे के सारे मौर्य साम्राज्य के अंदर आ गए थे, और मैक्सिमम मोस्टली जो थे सभी अच्छे कस्बे या शहर, इन जो रूट्स थे कम्युनिकेशन के, या लैंड के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू, उन्हीं के किनारे सब बसे हुए थे। जैसे कि तक्षशिला और उज्जैनी, ये जो है कि लैंड रूट्स के किनारे बसे हुए थे, और जो पाटलिपुत्र था वो आपका वाटर रूट्स के किनारे पर बसा हुआ था। इसी प्रकार से मथुरा जो सिटी थी वो सेंटर थी कई प्रकार की वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का सेंटर रही थी। और आप यहाँ देखोगे कि आप देख सकते हो कि किस प्रकार से इस 100 साल के अंतराल में किस प्रकार से कोई भी शहर अपनी ऊंचाइयों पर गया और किस प्रकार से वो डिग्रेड हो गया। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ पाटलिपुत्र, इसमें पाटलिपुत्र सबसे शुरुआत में एक गांव था जिसका नाम था पाटलग्राम, लेकिन जब मगध शासकों ने अपनी जो पहली उनकी राजधानी थी राजागह या राजगिरी, इससे जब अपनी राजधानी को इस पाटलग्राम में शिफ्ट कर दिया, तो ये 4th सेंचुरी तक आते आते ये एशिया की सबसे लार्जेस्ट सिटी बन चुकी थी। और इसके बावजूद जो, जैसा कि हम देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कि जो ह्वेनसांग थे जो 6th सेंचुरी में इंडिया में विजिट करने आए थे, तो वो देखते हैं कि ये सिटी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी, और उन्होंने इस सिटी को बहुत ही कम पॉपुलेशन में पाया था। इस प्रकार देख सकते हैं किस प्रकार से सिटियों का जो है कि इतिहास बदल गया। और आप देख सकते हो एक सिटी है, जैसा कि आप मैप में नीचे देख सकते हैं कि एक पहाड़ सिटी है जो कि कोस्टल टाउन में है, तो ये व्यापारिक मार्गों के लिए उपयोग में रही होगी। और विभिन्न प्रकार की आप देख सकते हो ऊपर तक्षशिला है, उज्जैनी है, और ये पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे पर है। तो अब हम देखते हैं कि इन जो है कि इन शहरों में किस प्रकार के लोग रहा करते थे, और इन शहरों में कौन कौन सा वर्ग रहा करता होगा। जैसे कि एग्जिबिशन से या खुदाई से पता चलता है, जैसे हमने हड़प्पा की खुदाई तो हम पूरी कर पाए थे, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि वहाँ कोई भी अब इस समय के सेटलमेंट नहीं है, लेकिन हम आज के इन शहरों की खुदाई नहीं कर सकते। जैसे कि मथुरा है, इसकी हम खुदाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी डिफरेंट प्रकार की कलाकृतियाँ यहाँ पर मिलती हैं, जैसे कि बॉल्स हैं, बॉलमट कटोरे हैं, और जो है कि थालियां हैं, जो कि एक विशेष प्रकार की चिकनी काल मिट्टी से या किसी भी कलर से पॉलिश्ड हैं, उनको नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर भी कहा जाता है। इनका दूसरा नाम हम कहते हैं कि ये कृष्ण मार्जित पात्र भी हैं, इनको कृष्ण मार्जित पात्र भी कहा जाता है। ये पॉलिश्ड हैं, अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों को इनको किसी जो है कि उच्च वर्ग के द्वारा ही यूज किया जा रहा होगा। इसके अलावा हमें कई प्रकार के जैसे टूल्स हैं, वेपन्स हैं, बर्तन हैं, फिगराइन हैं, इस प्रकार के मटेरियल्स की बनी हुई मिलती हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो आपको नोटिस करनी चाहिए कि हमने जो मोहनजोदड़ो में देखा था वहाँ पर किस प्रकार के पदार्थों से चीज़ें बनी हुई थी, वहाँ स्टोन से बनी हुई थी, गोल्ड था, कॉपर था, ब्रॉन्ज भी था, और लेकिन वहाँ हम देखेंगे वहाँ जो है कि सिल्वर का यूज नहीं था। इसके अलावा आइवरी जो हाथी का दांत होता है उसका भी यूज नहीं था, बाद बाकी जो है कि सैल और टेराकोटा का वहाँ भी यूज किया गया था। इसके अलावा हम देखेंगे कि यहाँ पे तो इसका मतलब ये हुआ कि इन शहरों में कई प्रकार की गिल्ड्स यानी कि क्राफ्ट्समैन भी रहे होंगे, उनको बनाने वाले भी रहे होंगे इन शहरों में जो इन बर्तनों को बनाते थे। इसके अलावा जो इस चीज़ के जो सबूत मिलते हैं कि इन शहरों में रहता कौन था, जैसे कि आप यहाँ पे एक इमेज दिख रही है, तो इस पर क्या है, इस इमेज में ये एक मूर्ति है जो कि एक मंदिर को भी ये डोनेट की गई थी। इसमें जो इंस्क्रिप्शन में प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा गया है कि ये किसने डोनेट की थी और वो व्यक्ति क्या काम करता था। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एक औरत का नाम है नागपिया, जो कि एक गोल्ड स्मिथ की वाइफ थी। इसका मतलब क्या हुआ, शहरों में गोल्ड स्मिथ रहते थे। इसके अलावा गोल्ड स्मिथ रहते होंगे, कारपेंटर रहते होंगे, आपके कुम्हार रहते होंगे, पोटरी बनाते होंगे, उसके अलावा
जो बुनकर रहे होंगे, इसके अलावा स्क्रैप्स जो लिपिक होते हैं वो भी रहे होंगे 2nd सेंचुरी तक, यानी कि हम कह सकते हैं। और ये लोग डोनेशन भी करते थे, इसका मतलब ये गोल्ड स्मिथों का, पॉटर्स का, कारपेंटर्स का, ब्लैक स्मिथ्स का एक मजबूत वर्ग रहा होगा, क्योंकि यही लोग ऐसे रहे होंगे जो सामान को कहीं से इकट्ठा करते होंगे, प्रोडक्शन करते होंगे और इसको सेल भी करते होंगे। और कई प्रकार की इंस्क्रिप्शन ऐसे भी मिले हैं यहाँ पर जिनमें ये लिखा हुआ है कि कई जो ग्रुप ऑफ पीपल थे उन्होंने इन मटेरियल को दान किया है। इसका मतलब जो अर्बन एलाइट थे यही गिल्ड्स थे, गिल्ड्स या श्रेणियाँ थी जो प्रोड्यूसर्स और मर्चेंट्स की। तो ये जो है कि और आपको एक और चीज़ जहाँ देखो अब ये इसमें लिखा हुआ है कि आप इसमें नोटिस करिएगा कि जो हड़प्पा का जो सिविलाइजेशन था जो पहले भी फ्लरिश हुआ था यानी कि पनपा था, वो आप देख सकते हो इंडस वैली में था, लेकिन इन सिटियों को देखिए ये सारी सिटियाँ इंडस वैली से दूर हैं। तो इसका भी कोई कारण रहा होगा कि किस प्रकार से इंडस वैली की तरफ कोई भी सिटी जो है कि 600 BC से और 600 CE तक कोई सिटी है नहीं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। चलो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पे आपका सब कॉन्टीनेंट्स में ट्रेड और बियॉन्ड, इसके जो है कि सब कॉन्टीनेंट में ट्रेड और किस प्रकार से होती थी। अब जो 6th सेंचुरी के बाद हमको कई सबूत मिलते हैं कि जो है कि जो ट्रेड है वो अरबी सागर से लेके वेस्टर्न एशिया से लेके साउथ ईस्ट चाइना तक जो है कि लोगों ने ट्रेड की है। और इस प्रकार से हम देखेंगे कई जो लैंड रूट से जाते थे वो लोग वो पैदल ही जाया करते थे और अपने साथ घोड़ा खच्चरों की गाड़ियों के साथ अब अपने सामान को ले आया करते थे। और जो लोग ये जैसे कि तमिल की बुकों में हमको कई नाम मिलते हैं, जैसे कि हमको इन लोगों को मसुत्थवन कहा जाता था, संस्कृत में उनको मसुत्थवन कहा जाता था और मसुत्थवन इनको तमिल में कहा जाता था और सेठी एंड सत्यवाहा इनको प्राकृत में कहा जाता था। जो लोग एक साथ मर्चेंट्स होते थे, बड़े हैवी सामान को एक साथ ले जाया करते थे, लेकिन जो ये लैंड वाले थे, लेकिन जो व्यक्ति समुद्र के रास्ते से अपना व्यापार करते थे वो बहुत रिस्की होता था, लेकिन रिस्की होने के साथ साथ वो बहुत प्रॉफिटेबल होता था। और ऐसा काम सिर्फ जो है कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन ही किया कर सकते थे। अच्छा, इसमें किस प्रकार के वो सामान ले जाते रहे होंगे इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए, जैसे कि नमक है, अनाज है, कपड़े हैं, मेटल की ओर्स हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, पत्थर है, टिम्बर है, मेडिसिन प्लांट्स हैं, इस प्रकार के वो लोग जो है कि। और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी है आपकी स्पेशली पेपर मतलब काली मिर्च, ये इसको पुराने समय में भारत का काला सोना भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है कि रोमन एम्पायर में बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में थी, इसलिए इनको काला सोना भी भारत का कहा जाता था। और आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पे एक जो है कि आपको जो 9 में लिखा हुआ है, जो मालाबार जो प्रेजेंट डे केरल में है, एक बुक है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, बुक का नाम है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। तो इसमें पेरिप्लस का मतलब जो नीचे आपको दिया हुआ है, पेरिप्लस में ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है सैल करना, यानी कि इधर उधर नाव के रास्ते से जाना। और एरिथ्रियन जो रेड सी है आज का लाल सागर है, उसको ही ग्रीक में एरिथ्रियन बोलते थे। तो इसमें एक ग्रीक सैलर की बुक है, इसका जो है कि उसका नाम तो पता नहीं है, लेकिन वो इसमें डिस्क्रिप्शन देता है कि किस प्रकार का व्यापार लोग करते थे। तो वो ये बता रहा है कि जो ट्रेडर्स हैं बल्क अमाउंट में यहाँ से पेपर यानी कि जो काली मिर्च सेंड किया कर सकते थे, और इसके बदले वो डिफरेंट प्रकार के कॉइन, टोपाज मतलब पुखराज, एंटीमनी सुरमा, और जो कोरल्स मतलब मूंगे, और जो कच्चा ग्लास, कॉपर, टिन, लेड, यानी कि ये सारी चीज़ें वो अपने यहाँ लिया करते थे। और इसके बदले में आप देख सकते हो कि काली मिर्च जो है कि पेपर को वो एक्सपोर्ट किया करते थे साउथ इंडिया के लोग। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पेपर का इम्पोर्टेंस यहाँ पे रहा होगा। इसके अलावा इसके बदले वो पेपर्स के बदले में यानी काली मिर्च के बदले में वो और भी नीचे अकाउंट में दिया हुआ है, उन्हें लिखा है कि जो ग्रेट क्वांटिटी ऑफ फाइन पियर्स मतलब मोती, बहुत सारी मात्रा मोती, हाथी के दांत, सिल्क के कपड़े, ट्रांसपेरेंट स्टोन्स। तो आप देख सकते हो किस प्रकार का जो है कि लोगों का व्यापार रहता था, और इन महंगी और प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स को लोग जो कि एक दूसरे के साथ व्यापार में बेचा करते थे।
तो आप अब हम आपके यहाँ पर देखेंगे, ये देखेंगे कॉइन्स एंड किंग्स। तो सबसे पहले हमको कॉइन्स एंड किंग्स का मतलब ये है कि कॉइन किस प्रकार से, जो कॉइन्स एग्जिस्टेंस में आए बिजनेस की एग्जिस्टेंस के लिए, तो सबसे पहले हमको पता लगता है कि पहले जो शुरुआत के जो कॉइन्स थे वो पंच टाइप कौन थे। पंच टाइप मतलब आप देख सकते हो, अब इस फिगर में देख सकते हो पंच टाइप, यानी कि पहले कोई मेटल है, यहाँ पे आप देखिए मेटल है, उसके ऊपर से मोहर के द्वारा पंच कर दिया गया है। ये सब शुरुआत में गोल्ड कॉइन नहीं थे, ध्यान रखिएगा ये गोल्ड कॉइन नहीं है, ये आपके शुरुआती जो कॉइन है वो सिल्वर और कॉपर से बने हुए हैं। आप देख सकते हो ये पंच कॉइन है जी, आपकी 6th century BCE से आगे वाले कॉइन आपको इस प्रकार के मिलेंगे। और इसके और अच्छा आप सोचिए कि कौन से आपको और क्या पता लगा सकते हैं, किसी लोकेशन का कौन सा आपको मिल रहे हैं। तो हमको इससे एक और चीज़ ये पता लगती है कि ट्रेड रूट्स क्या रहे होंगे। जो आपके इतिहासकार हैं इस प्रकार से कॉमर्शियल नेटवर्क को ही बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि इस ये रास्ता रहा होगा। और इसके अलावा हमको ये कैसे पता लगाया जाता है कि ये जो कॉइन है किस राजा ने जो पेश किए होंगे, किस राजा ने इन कॉइन्स को इशू किया होगा। तो डिफरेंट प्रकार के जो इन पर सिंबल पंच हैं, इनके थ्रू भी हमको पता लगता है कि इनको किन राजा ने इनको इशू किया था। इसके अलावा ये भी चांसेस हो सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के व्यापारी या बैंकर्स या लोगों टाउन के लोगों ने इन कॉइनों को जो है कि आपके सामने यहाँ पर इशू किया होगा। अच्छा आपको यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि जो फर्स्ट जो सबसे पहला कॉइन था जिस पर एक नाम था और राजा की इमेज थी, वो इंडो ग्रीक रूलर्स थे। इंडो ग्रीक रूलर्स जिन्होंने इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर रूल किया था। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है कि आज का पाकिस्तान है, और आपकी जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये जो है कि इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कहे जाते हैं, जो जिनके जो सबसे पहले रूलर्स थे इंडो ग्रीक रूलर्स, इन्होंने ही सबसे पहले ऐसे कॉइन बनाए थे जिन पर जो है कि राजा का नाम और उसकी इमेज थी। इसके अलावा जो कि सबसे पहले जो सोने का कॉइन था वो कुषाण राजाओं ने 1st century में इशू किया था। और जो है कि यहाँ पे एक और बात नोट करने योग्य है कि ये जो कुषाणों ने सोने के सिक्के इशू किए थे वो उस टाइम के समकालीन रोमन साम्राज्य के द्वारा इशू हुए सिक्कों के वेट में बराबर थे। और जो पर्थियन रूलर थे ईरान के, उनके भी जो सिक्के थे उनसे भी ये सिक्के मैच करते, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। और जो कि ये सोने के सिक्के वाइड स्प्रीड थे, वाइड स्प्रीड मतलब चारों तरफ जो है कि देश में फैले हुए थे, रोमन साम्राज्य तक इनमें पाए गए हैं। इसके अलावा रोमन के कॉइन्स हैं वो भी इंडिया की कई साउथ इंडिया की साइटों पर कई ग्रुप में मिले हैं। होर्ट मतलब जहाँ पर बहुत सारे जो है कि सिक्के मिलते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं किस प्रकार से एक वास्ट नेटवर्क था कॉमर्स का, जो कहाँ आप रोमन एम्पायर जो कि यूरोप की तरफ है और यहाँ आपका साउथ इंडिया की तरफ, दोनों ही किस प्रकार से लिंक थे, ये हमको पता लगता है कि एक जगह के सिक्के दूसरी जगह किस प्रकार चले गए थे और उनकी ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी रही होगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि सिर्फ राजाओं ने नहीं बल्कि जो आपके कवालियों के राजा थे, जैसे कि यहाँ पर योद्धेय थे, योद्धेय जो राजा थे उन्होंने भी कई विशेष प्रकार के कॉपर के जो है कि सिक्के इशू किए हैं। जो यहूदेन कौन आप देख सकते हो, इस पर आप जो कि फिगर भी बना हुआ है, एक स्क्रिप्ट भी लिखी हुई है जो कि ये योद्धेय राजाओं की थी। और इसके बावजूद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप देखिए किस प्रकार धीरे धीरे से हम बढ़ रहे हैं। पहले आपके पंच कौन थे आपके दूसरी तरफ, फिर आपके जो है कि राजाओं ने उन पर नाम भी लिखना शुरू किया स्क्रिप्ट के यूज से, उन पर अपनी इमेज भी छापना शुरू की। इसके बाद गोल्ड के कॉइन इशू करना शुरू कर दिए। और जो 320 ईस्वी में आपके गुप्ता रूलर्स ने सबसे सुंदर जो भारत के स्पेक्टकुलर गोल्ड कॉइन्स बनाए थे, जो अपनी प्योरिटी के लिए जाने जाते हैं, और जो ये जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजेक्शन के लिए यूज किए गए थे। आप नीचे देख सकते हो ये गोल्ड कॉइन्स हैं जो गुप्ता रूलर्स ने इशू किए थे। और इसके अलावा लेकिन यहाँ अब आप देखोगे कि जब 6th century कॉमन एरा से हम आगे देखते हैं तो जो सोने के सिक्कों का यूज होना बहुत कम हो जाता है, हमको बहुत ही कम सबूत मिलते हैं। तो यहाँ पर सवाल उठता है क्या जो है कि वैश्विक व्यापार ख़त्म हो चुका था, क्या ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो है कि डिक्लाइन हो चुकी थी। यहाँ कुछ
इतिहासकारों का ये मानना है कि यूरोप में जब जो रोमन एम्पायर ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद जो है कि जो स्टेट्स उसके साथ जैसे बिजनेस करते थे उनको भी बहुत ज़्यादा हानि होने लगी थी। जिस प्रकार से आज जो है कि जैसे कि चाइना के साथ हम बिजनेस करते हैं, तो यदि चाइना भी ख़त्म हो जाए या अमेरिका भी इनका ही साम्राज्य ख़त्म हो जाए, तो दूसरे लोगों को जिनसे इनको बेनिफिट होता है उनका भी जो कि आमदनी ख़त्म हो सकती है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ऐसा भी हो सकता है कि उस टाइम जो है कि जो कॉइन है वो सर्कुलेशन में ज़्यादा रहा हो, यानी कि लोगों के पास जो है कि वो सर्कुलेशन में ज़्यादा रहा हो, लोग अपने पास न रखते हों बल्कि सभी जनता के पास जो है कि वाइड स्पीड सर्कुलेशन में रहा हो, इसकी वजह से हमको कम जो है कि कॉइन जो है कि मिलते हैं। चलो, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से कॉइनों के द्वारा हम हिस्ट्री को इंटरप्रेट किया करते हैं। चलो हम देखते हैं, अब इसमें हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, बैक टू बेसिक। इसमें है दोबारा से कि किस प्रकार से जो इंस्क्रिप्शन थी उनको किस प्रकार से लोगों ने डेसिफर किया था, किस प्रकार से उन लोगों को पढ़ा था। जैसे कि हमने सबसे शुरुआत में पढ़ा था कि जो ब्रिटिश के जो लोग थे जो कि जेम्स प्रिंसप था, उन्होंने 1838 में सबसे पहले अशोक की ब्राह्मी लिपि को डेसिफर किया था। तो उन्होंने किस प्रकार से किया था, जब 18वीं शताब्दी में उन लोगों ने भारत की बंगाली भाषा और देवनागरी लिपि को ही अशोक की जो इंस्क्रिप्शन थी उनके साथ कंपेयर किया था। उनके कम जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, क को किस प्रकार से लिखा गया है, च को किस प्रकार से लिखा गया है, उन्होंने कंपेयर करके ही बड़ी ही मेहनत से जो है कि इंस्क्रिप्शन को पढ़ा था। तो सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मी लिपि को कंपेरिजन के द्वारा डेसिफर किया था। इसके अलावा जो कि जो खरोष्टी थी, खरोष्टी को किस प्रकार से किया था इन्होंने डेसिफर, इसके बारे में बताया गया है कि खरोष्टी जो लिपि थी जो कि सबसे पहले जो इंडो ग्रीक रूलर थे, इंडो ग्रीक रूलर ने हमने बताया था कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर इंडिया के पे जो कि राज किया था, तो उन लोगों ने जो अपने कॉइन्स इशू किए थे, जैसा कि आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, जो एक कॉइन ऑफ इंडो ग्रीक किंग मैनेंडर, जो मैनेंडर है इसका इंडो ग्रीक है, तो इनके ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है। इन राजाओं ने क्या किया था, इन्होंने अपनी ग्रीक भाषा में भी उस पर नाम लिखा था, उसके बाद खरोष्टी स्क्रिप्ट में भी नाम लिखा था। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि आप हम एक नाम देखते हैं किसी किंग का, जैसे अपोलो डोट्स है, तो अपोलो डोट्स को जब हम ग्रीक स्क्रिप्ट में लिखेंगे, इसके बाद खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखेंगे, तो अ को हम पहचान सकते हैं कि खरोष्टी स्क्रिप्ट में किस प्रकार से लिखा जा सकता है। इस प्रकार से जो कि खरोष्टी स्क्रिप्ट को भी पढ़ा गया था और हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से पहले तो लोग मानते थे कि पहले संस्कृत एक पुरानी लैंग्वेज थी, लेकिन वास्तव में जो प्राकृत लैंग्वेज थी वो सबसे पुरानी लैंग्वेज रही थी। लेकिन आप देख सकते हो कि कितना आश्चर्य की बात है कि किस प्रकार से देखो कंपेयर किया गया हुआ, कि आप देखिए क को किस प्रकार से लिखा गया है, च को किस प्रकार से लिखा गया है, द को किस प्रकार से लिखा गया है। कहीं कहीं तो लिखता है कि एक आम इंसान होगा तो वो तो इतना डेसिफर कर भी नहीं पाएगा। तो आप देख सकते हो कि इतिहासकारों ने कितनी मेहनत की होगी। इसके अलावा चलो हम देखते हैं कि इंस्क्रिप्शन के द्वारा हिस्टोरिकल एविडेंस किस प्रकार से मिलते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि कोई भी इंस्क्रिप्शन होती है तो उस पर जो है कि नाम ही नहीं रहता कि किस राजा ने इसको जो है कि इशू किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं सोस्टेन, इससे हम पता लगाते हैं कि इंस्क्रिप्शन को किस प्रकार से और राजा बताते हैं कि ये किस राजा ने लिखवाया होगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, द किंग्स जो इसका राजा का नाम है, राजा का नाम नहीं है, ये इसके टाइटल हैं, देवानाम्पिय प्यादसी। राजा का टाइटल का नाम है देवानाम्पिय प्यादसी। देवानाम्पिय का मतलब होता है कि वो राजाओं को प्यारा हो, और प्यादसी जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था आपको, जिसको देखने में बहुत सुंदर हो। तो उसने राजा ने लिखा है कि वहाँ पर शुरुआत में कोई भी अरेंजमेंट नहीं थे इन्फॉर्मेशनों को रिपोर्टों को भेजने के लिए, लेकिन मैंने जो है कि पत्रवेदिकाओं का अरेंजमेंट किया है, मैंने जो है कि सूचनाओं को भेजने वाले के लिए भी अरेंजमेंट किया है। और वो उसने लिखा है जो पत्रवेदिका हैं, जो पत्रवेदकाज हैं, वो मेरे को इन्फॉर्म करें, चाहे मैं कहीं भी हूँ, चाहे मैं अपने इनर अपार्टमेंट में हूँ, चाहे मैं बेडरूम में हूँ, चाहे मैं गायों की गौशाला में हूँ, चाहे मैं अपने लोग मुझे पालकियों में ले जा रहे हों, लेकिन पत्रवेदिकाओं की जिम्मेदारी है कि वो मुझे शासन की किसी भी अफेयर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दें। तो आप देखिए यहाँ पर किसी भी राजा का नाम नहीं दिया हुआ है,
यहाँ पर सिर्फ देवानामपिय प्रदर्शी के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इतिहासकारों को क्या करना होता है कि वो दूसरी इंस्क्रिप्शन देखते हैं और उस पर ये देखते हैं कि जो यही जो है कि जो टाइटल हैं देवानामपिय प्रदर्शी उनके नाम के आगे लिखे रहते हैं, जैसे कि अशोक के नाम के आगे अलग जो दूसरी जो इंस्क्रिप्शन पर इंस्क्रिप्शन है उनके आगे देवानामपिय प्रदर्शी लिखा हुआ। इसके अलावा इतना ही नहीं, हो सकता है कि वो दूसरा राजा रहा हो जिसने इन टाइटलों को यूज किया हो। तो इसके अलावा ये किस कंटेक्स्ट में लिखी हुई हैं, इसके अलावा इनकी स्टाइल क्या है, इनकी भाषा क्या है और जो है कि इनकी इनकी कंटेंट क्या है, इसके बेसिस पर जो है कि इतिहासकार ये पता लगाते हैं कि ये किस राजा ने जो है कि सेम राजा के द्वारा ही इशू की गई हैं। इसके अलावा अच्छा यहाँ पे ये भी देखना होता है कि यहाँ अशोक ने ये लिखा है कि जो पुराने जो शासक थे उनके पास रिपोर्ट करने का कोई भी साधन नहीं था। तो इस प्रकार के हो सकता है कि उसने क्या ऐसा संभव है कि पहले बिना सूचना के राजा शासन कर पाते होंगे, तो हो सकता है कि यहाँ पे हो सकता है कि ये ट्रू ना हो, जो ये इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है ये सच्चा ना हो। हो सकता है कि वो राजा ने अपने एग्जग्रेशन के लिए अतिशयोक्ति के लिए ऐसा कुछ लिख दिया हो। तो इस प्रकार से हमें कुछ दिक्कतें भी होती हैं। अच्छा तो आप अब हम आगे बढ़ते हैं कि और किस प्रकार से हमको हिस्ट्री को आगे पढ़ना है। तो अब हम देखेंगे कि रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं, किस प्रकार रूट ऑफ कम्युनिकेशन हैं। इस बार देखो बड़ी ही इंटरेस्ट की बात यह है कि इसके अलावा भी स्टूडेंट किस प्रकार के क्वेश्चनों को खोजने की कोशिश किया करते हैं। वो जैसे कि वो ये सोचते हैं क्या, जैसे कि कोई कम्युनिकेशन का रूट्स है, वहाँ राजा ने अपनी जो है कि इंस्क्रिप्शन लिखवाया है किसी भी पत्थर पर, तो क्या वहाँ के लोग रुक के उसको देखा करते होंगे। ये तो बड़ा ही आश्चर्यजनक सवाल है कि लोग देखते होंगे या नहीं, तो हमको इसी यहाँ से पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को तो बहुत ही टफ रहता है किसी भी जानकारी के लिए। क्या लोग जो कि सारे लोग पढ़े लिखे हुए तो जो प्राकृत लैंग्वेज को जानते थे, तो क्या सभी लोग राजा के ऑर्डरों को माना करते थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बड़े ही टफ रहते हैं पढ़ने के लिए। इस और इसके अलावा और भी जो कठिनाई होती है हमको इंस्क्रिप्शन को पढ़ने में, क्या राजा ने लिखा है क्या और वो क्या कहना चाह रहा है, ये भी बड़ा ही कठिन होता है। और कि उसकी लोकेशन क्या है, जैसे कि आप देखिए सोर्स नंबर 11 में, इसमें राजा को बड़ा दुख है। इस यहाँ भी देखिए आप, यहाँ भी राजा का नाम नहीं दिया हुआ है, किंग लिखा हुआ है। वहन द किंग देवानामपिय प्रदर्शी जो कि 8 साल से रूल कर रहे थे, और उन्होंने जब 8 साल रूल करने के बाद उड़ीसा को हरा दिया था, तो उन्होंने देखा कि 150,000 लोग जो कि देश को छोड़ना पड़ा, लाखों लोग मारे गए थे और कई मार दिए गए थे और कई खुद से मर गए थे। इसके बाद कि राजा को क्या होता है कलिंग, और उसके बाद जो देवानामपिय हैं उनको वो धम्म की स्टडी करते हैं, वो उनका जो है कि इंटेंस स्टडी और धम्म करते हैं, उनका धम्म के प्रति प्यार हो जाता है और जो धम्म को ही लोगों के लिए इंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ दिखता है कि किस प्रकार से राजा को पश्चाताप होता है कलिंगा के युद्ध का, उसके लिए कितना ही दर्दनाक है और जो है कि निंदनीय है कि जैसे कि वन इज कंक्वरिंग एन अनकंकर्ड कंट्री स्लॉटर डेथ एंड डेपोलेशन पीपल टेक प्लेस। उसको महसूस होता है कि जब कोई राजा दूसरे राजा को अटैक करता है तो एक प्रकार का लोगों का स्लॉटर हो जाता है, डेथ होती हैं और लोगों को भागना पड़ता है। तो यहाँ आप ये जो है कि ये जो जैसे इंस्क्रिप्शन है तो ये पाई, ये दूसरी जगह पाई गई हैं, ये जो है कि उड़ीसा में नहीं पाई गई। तो इसका क्या मतलब है, क्या राजा वहाँ के लोगों को बताना नहीं चाहता कि उसको कितना दुख हुआ है, या मतलब जो है कि वो इन्फॉर्म नहीं करना चाहता कि उसकी वजह से लोगों को कितना दुख हुआ था। ये इंस्क्रिप्शन जो है कि दूसरी जगह पाई गई है। देखिए आप यहाँ पर जो क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, इज इट दैट द एंग्विश ऑफ द रिसेंट कंक्वेस्ट वाज टू पेनफुल इन द रीजन एंड देयरफॉर द रूलर वाज अनेबल टू एड्रेस द इश्यू। यानी कि जो है कि इसलिए इतनी पेनफुल जो है कि वहाँ के लोगों के लिए ये जो है कि लड़ाई रही होगी कि राजा उसके बारे में वहाँ बोलना भी पसंद नहीं कर रहा था, इसलिए उसने जो है कि अपनी इंस्क्रिप्शन को भी दूसरी जगह लिखवाया था कि उसे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है। यानी कि वो अपने दुख को भी लोगों के सामने प्रकट नहीं कर पा रहा था, इसका मतलब ये हो सकता है। अच्छा आप देख सकते हो कि लिमिटेशन इंस्क्रिप्शन की क्या रही होंगी, लिमिटेशन इंस्क्रिप्शन की कई हैं। जैसे हो सकता है कि कई बार ये हो सकता है कि इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है, उसको जो है कि
मिट गया हो, उसके जो बीच के वर्ड्स हैं वो हट गए हों, और ये भी हो सकता है कि कई बार जो कि वो किस कंटेक्स्ट में लिखा गया है, कोई भी जैसे वर्ड यूज किया गया है तो उस वर्ड का उस जगह और टाइम में क्या कंटेक्स्ट रहा होगा। तो इस प्रकार से हिस्टोरियनों में डिबेट होती रहती है कि इंस्क्रिप्शन को किस प्रकार से स्टडी किया जाए, और कई तरह से जो है कि कई अब भी जनरल पेश होते हैं कि किस प्रकार से इन लोगों को इन इंस्क्रिप्शन को पढ़ा जाना चाहिए। और इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है कि हो सकता है कि प्रत्येक जो है कि इसके प्रत्येक जो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जो भी कोई भी घटना घटी होगी तो उसको ज़रूरी नहीं कि इंस्क्रिप्शन पर लिखा गया हो। इसके अलावा ये भी एक कमी है कि जाने कितनी हज़ारों इंस्क्रिप्शन लिखी गई हों, उनमें से हमारे पास कितनी इंस्क्रिप्शन है, हो सकता है वो बहुत ही लिटिल अमाउंट में हो। तो ये इस प्रकार के कई जो है कि आज भी जो है कि इंस्क्रिप्शनों के स्टडी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, और आप ये देख सकते हैं कि कॉपर की इंस्क्रिप्शन भी है। चलो ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, लेकिन आप इसकी टाइमलाइन भी देख सकते हो कि क्या क्या मेजर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए थे इस टाइमलाइन में लिखा हुआ है। तो आपको इसमें से याद करने योग्य कौन सा हो सकता है कि आप ये तो पता ही है कि 600 से 500 BC के बीच में हमारा पैडी ट्रांसपोलेशन हुआ था, महाजनपदों का उदय हुआ था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जैसे कि आप देख सकते हो कि जो है कि 16 जो महाजनपद थे उनको किस प्रकार से मगध के जो मगध वाले जनपद में कंसोलिडेट किया था, उसकी सदी है जो 500 to 400 BC है। इसके बाद आप याद रख सकते हो इस समय जो अलग इन्वेजन है, जो अलेक्जेंडर था इसने जो है कि भारत पे किस टाइम अटैक किया था, आप देख सकते हो ये मौर्यन साम्राज्य में हुआ है 327 से 325 BC, बिफोर कॉमन एरा है, ध्यान रखना बिफोर कॉमन एरा से पहले है, CE होता तो कॉमन एरा होता। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने असेसन किया है, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है 321 BC में। अशोक का भी एम्पायर के बारे में लिखा हुआ है। अच्छा आप इसमें ये इसको ध्यान रखें कि जो असेसन ऑफ कनिष्का जो है कि इसमें कुषाण रूलरों में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो इसका असेसन को भी आप ध्यान रख सकते हो कि 78 कॉमन एरा में जो है कि आपका कनिष्कों का जो है कि कनिष्क राजा का असेसन हुआ था। इसके बाद आप देखिए कि जो हम जो स्टोरी पढ़े थे लैंड ग्रांट की, शतवंश की और गुप्ता रूलर्स की, तो जो 320 BC कॉमन एरा में हमारे यहाँ पर गुप्ता रूलर्स की नॉर्थ इंडिया में जो है कि राज रहा था, इसमें गुप्ता रूलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो गुप्ता डायनेस्टी है इसमें गुप्ता हैं, समुद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त सेकंड हैं, और जो वाकाटाका हैं जो दक्कंस के, जिनमें जो है कि गुप्ताओं ने अपनी प्रभावदी गुप्ता की शादी की थी। इसके अलावा जो जब 500 से साउथ इंडिया में देखेंगे तो 500 से 600 कॉमन एरा में वहाँ चालुक्यों का उदय होता है, और पल्लवाओं का तमिलनाडु में उदय होता है। ये चालुक्य और पल्लवा डायनेस्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। इसके अलावा जो कि ये हर्षवर्धन जो कन्नौज के राजा हैं, जो कि इनका भी 606 से 647 में हुआ है, और अरब्स हैं जिन्होंने सिंध को कब कन्क्वर किया था, ये 717 में हैं। अरब्स वो लोग थे, ये वही लोग हैं जिन्होंने बाद में आके 800-900 के बाद यहाँ पर अटैक करने शुरू कर दिए थे, और जो है कि 1100 के आसपास उनका फाइनली भारत में मुस्लिमों का आगमन शुरू हो गया था। इनकी शुरुआत यहीं से होती है जब अरबों ने सिंध को कन्क्वायर कर लिया था, यानी कि जीत लिया था। तो धन्यवाद दोस्तों, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।